बदले हुए माहौल में बोर्ड परीक्षा में नकल माफियों की कमर तोड़ने के लिए प्रशासन ने एक और फरमान जारी किया गया है। जी हां, अब बिना आधार कार्ड के परीक्षार्थी बोर्ड की परीक्षा में नहीं बैठ सकते। इनकी जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की होगी, क्योंकि आधार के साथ ही पंजीकरण कराया गया था। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी ने बताया कि बोर्ड की परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। अगर परीक्षार्थियों को दिक्कत होती है तो इसकी जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की होगी। आपके लिए जा पाती है ना वीडियो? नहीं सर, वो उसमें से जो है दिक्कत आती है। सर कोई आदेश आया यूपी बोर्ड परीक्षा में? क्या आदेश है सर? देखिए, यूपी बोर्ड परीक्षा में इस समय तो वर्तमान में परीक्षा केंद्रों का निर्धारण चल रहा है, और इस बार शासन द्वारा एक केंद्रीकृत व्यवस्था की गई है, और माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद कार्यालय द्वारा ही कंप्यूटराइज बिल्कुल एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत केंद्रों का निर्धारण किया जा रहा है। जनपद मुरादाबाद में जहां पिछले सत्र में 170 परीक्षा केंद्र थे, इस वर्ष केवल 120 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, और इससे निश्चित रूप से विद्यालयों पर या परीक्षा केंद्रों पर जो प्रशासनिक नियंत्रण है वह काफी सुगम हो जाएगा, और परीक्षा का संचालन भी बहुत व्यवस्थित ढंग से होगा। जो परीक्षा केंद्र प्राप्त हुए हैं उस पर 20 तारीख तक आपत्तियां मांगी गई हैं, कि अगर प्रत्येक प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित कर ले कि उसके विद्यालय के सभी बच्चे विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आवंटित हो गए हैं, साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित कर लें कि जो हमारी बालिकाएं हैं अगर वो विद्यालय परीक्षा केंद्र नहीं है तो 5 किलोमीटर की सीमा के अंदर उनका आवंटन हुआ हो, और इसी तरह से जो शासनादेश का मानक है उसके अनुसार परीक्षार्थियों का आवंटन हुआ है, ये सुनिश्चित कर लें, और अगर कोई आपत्ति है तो इस कार्यालय को प्राप्त कराएं। इसी के साथ साथ जो एक महत्वपूर्ण निर्देश इस सत्र के प्रारंभ से ही शासन द्वारा दिया गया है कि हर बच्चे का अनिवार्य रूप से आधार कार्ड बनवाया जाए, और अभी हमारे यहाँ कक्षा 9 और 11 के जो पंजीकरण हुए हैं उसमें भी आधार कार्ड की अनिवार्यता थी कि बच्चे का के पास आधार कार्ड हो तभी उसका 9th में और 1st ईयर में पंजीकरण होगा, और साथ ही साथ छात्रवृत्ति भी जो बच्चों को मिलती है उसको भी, कोई भी बच्चा अगर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करता है तो आधार कार्ड की अनिवार्यता उसके साथ भी है, और ये सभी व्यवस्थाएं इसीलिए की गई है कि जो पारदर्शी व्यवस्था शासन की जो मंशा है कि वास्तविक परीक्षार्थी ही परीक्षा में बैठे, वास्तविक परीक्षार्थी का ही नामांकन हो, और इसमें जो डुप्लीकेसी होती है इस डुप्लीकेसी को पूरी तरह से रोका जा सके, इसलिए पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है। इस बार बोर्ड की जो हमारी परीक्षा 2018 में संपन्न होगी इसमें भी यह व्यवस्था होगी कि हर बच्चा अपने प्रवेश पत्र के साथ आधार कार्ड भी अनिवार्य रूप से रखेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वही वास्तविक परीक्षार्थी है और वह अपनी परीक्षा दे रहा है, ताकि मुन्ना भाई की जो समस्याएं आती हैं कि एक बच्चे के जगह पर दूसरा बच्चा बैठ करके परीक्षा देता है, इसको पूरी तरह से रोका जा सके, और जो वास्तविक परीक्षार्थी हमारा है वही परीक्षा में बैठे ताकि उनका एक वास्तविक मूल्यांकन हो सके, परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित कराई जा सके, और जब परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित होगी, हर बच्चा पढ़ करके परीक्षा देगा तो निश्चित रूप से वह रेगुलर क्लास प्रोसेस में भी वह सक्रिय रहेगा, नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रहेगा, और पढ़ करके ज्ञानार्जन करके वह परीक्षा को पास करेगा तो निश्चित रूप से देश को एक अच्छा सचरित्र नागरिक मिलेगा, जो जिसके अंदर कुछ ज्ञान होगा, संवेदनाएं होंगी, देश प्रेम की भावना होगी, और वो सच्चे नागरिक के रूप में आगे आने वाले समय में देश की सेवा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।